हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्विच योर मेकअप फ्रॉम डे टाइम लुक टू नाइट टाइम लुक, और उसके साथ साथ मेकअप फिक्सेस भी। दुर्गा पूजा के टाइम मैं पूरे दिन घर से बाहर रहती हूँ पंडाल में, फिर घर पे मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ, चेंज करती हूँ, थोड़ा मेकअप को स्विच और फिक्स करती हूँ, देन आई हेड आउट अगेन इन द इवनिंग फॉर पंडाल हॉपिंग। सो आई विल शो यू इन दिस वीडियो कि मैं मेकअप को फिक्स कैसे करती हूँ और इसको नाइट टाइम लुक कैसे देती हूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू गो अबाउट, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो दिस इज़ हाउ माई फेस इज लुकिंग आफ्टर वेयरिंग मेकअप फॉर 5 hours। ऑयली हो गई है, यहाँ से आई लाइनर थोड़ा रन कर रहा है और लिपस्टिक मेरे चिन पे लग गया है, बिकॉज खाना खाते टाइम ये हमेशा मेरे साथ होता है। टू फिक्स दी आई लाइनर एंड द लिपस्टिक आई यूज़ गार्नियर मिसेलर वाटर और एक कॉटन बड। इसको मैं थोड़ा सा बड पे ले लूँगी एंड देन आई विल वाइप दी आई लाइनर ऑफ। और एक क्लॉथ से आई विल जस्ट डैब दी एक्सेस और मिसेलर वाटर को एक कॉटन पे या कॉटन क्लॉथ पे लेके आई विल रिमूव द मार्क। और मेरा लिपस्टिक यहाँ से थोड़ा स्प्रेड भी हो गया है, सो उसको भी आई विल फिक्स इट एंड आई थिंक आई विल चेंज माई लिपस्टिक कलर ऑल्सो, सो आई विल रिमूव माई लिप कलर। अब सारे मेकअप करेक्शंस करने के लिए आपको चाहिए होगा एक छोटा डिटेलर ब्रश। अंडर आइज पे मैंने पहले एक कलर करेक्टर लगाया था, सो आई विल टेक द सेम कलर करेक्टर, दिस इज़ द क्रायलॉन करेक्टर। इसको ब्रश पे ले लूँगी एंड हल्के से आई विल डैब इट एंड ब्लेंड इट आउट। करेक्टर के बाद आई विल यूज़ द मेबलिन फिट मी कंसीलर इन नंबर 30 एंड अप्लाई द कंसीलर जहाँ से हमने वो आईलाइनर के मार्क को हटाया था। एंड इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन लूज फिट मी पाउडर एंड आई शेडो के लिए आई हैड यूज़ मेबलिन मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर। तो उसको सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे मैं लगा दूँगी और फिर आईलाइनर आई विल मेक माई लाइनर अ लिटिल थिकर। एंड गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू सी हाउ आई अचीव दिस मेकअप लुक, देन ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। दिस इज़ द लुक फॉर अष्टमी। अब हम वो सेम डिटेलर ब्रश पे थोड़ा और कंसीलर लेंगे लाइक दिस एंड लिप एरिया को फिक्स करेंगे। कंसीलर को पूरे लिप्स के अराउंड लगाना है एंड इसको ब्लेंड कर देना है। एंड आई टेक माय फाउंडेशन ब्रश और उसे ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद आपका चॉइस ऑफ लिपस्टिक लगा सकते हैं जो आपको नाइट टाइम के लिए चाहिए। सो फॉर लिपस्टिक आई एम गोना यूज डार्लिंग इसाबेला लिपस्टिक इन वाइल्ड वाइन। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेस बहुत ऑयली हो गया है, सो ऑल यू नीड इज़ अ टिश्यू पेपर। मेक श्योर कि वो टिश्यू पेपर एक प्लाई हो, मतलब सिर्फ एक लेयर हो टिश्यू का, और इसको पुट ऑन योर फेस एंड जेंटली टैप। एंड द नोज ऑल्सो। इससे आपका सिर्फ एक्सेस ऑयल निकल जाएगा, आपने जो फाउंडेशन जो बेस लगाया है वो नहीं निकलेगा। एंड ब्लॉटिंग करने के बाद ही यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई सम मोर पाउडर टू सेट योर फेस। इससे आपका फेस केकी नहीं लगेगा और जैसे आपने फ्रेशली आपका बेस लगाया था वैसे दिखेगा। You can now go ahead and make your eyeshadows a little darker because you are going for a nighttime look. So on a small fluffy brush, I'll take a dark brown eyeshadow. And on a small pencil brush, main thoda sa black eyeshadow lungi. And sirf outer V pe
आई विल डार्कन इट एंड आई टेक द सेम ब्लैक आई शेडो और थोड़ा और स्मोक आउट कर दूंगी लास्ट लाइन को. एंड फॉर द फेस आई टेक अ लिटिल शिमरी ब्लश एंड जस्ट पॉप इट ऑन द एपल्स ऑफ द चीक्स. And hit the highest points of my face with some more highlights. Nose contour को थोड़ा सा sharp कर दूंगी. I think मेरा bronze भी थोड़ा सा fade हो रहा है. So I will lightly dust the bronzer. और अगर आप चाहें आप आपके आईलैशेस को दोबारा एक बार कर्ल करके आप मस्कारा लगा सकते हैं, बट आई एम ऑलरेडी वेयरिंग फॉल्स लैशेज तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी. सो गाइस, दिस इज़ हाउ आई स्विच माय मेकअप लुक फ्रॉम डे टू नाइट. आपको पूरा मेकअप उतार के दोबारा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ थोड़ा सा टचअप करना है, थोड़ा सा आई शेडो कलर्स चेंज करना है, लिपस्टिक कलर चेंज कर दीजिए एंड यू विल हैव अ न्यू लुक. होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.